उदाहरण 11, आकृति में कोण CAB 25 अंश और कोण ADB 35 अंश है, तब कोण ABC ज्ञात कीजिए। हल, यहाँ आकृति में कोण ADB और कोण ACB, ये दोनों कोण जो है एक ही वृत्ताखंड के कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये हमारे पास है एक ही वृत्त, एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है ये। इसीलिए कोण ACB बराबर 35 अंश जो कि दिया हुआ है हमारे पास, ADB 35 अंश है तो ACB भी 35 अंश होगा। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, इसे लेंगे कोण ABC धन कोण ACB धन धन कोण CAB, ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश। यहाँ पे हम कोण ABC धन कोण ACB जो है हमारा 35 अंश है, धन कोण CAB हमारा 25 अंश है, बराबर 180 अंश। इस तरह से कोण ABC धन 35 अंश धन 25 अंश बराबर 60 अंश, 60 अंश बराबर 180 अंश, या कोण ABC बराबर 180 अंश ऋण 60 अंश। इस तरह से कोण ABC हमने ज्ञात किया 180 अंश ऋण 60 अंश बराबर 120 अंश। इस तरह से हमने ज्ञात किया कोण ACB बराबर 120 अंश। यह इस उदाहरण का हल होगा।